सर आप तो कल रात जो है खिड़की पे आ गए सीढ़ी लगा के शाहरुख खान की तरह दवा खिला गए। आज सवेरे मारी पड़ोसन मन ने कहता एक आईब्रो ऊपर करके ताना दे रही पूछ रही तो क्या मामला है बताइए। आप बता दीजिए क्या मामला है। हाय ओ बिल्लू, हमारा मतलब है छोड़ी ना ये सब बातों को, क्या मतलब आप दवाई खाइए। आपके सुबह का डोज का वक्त हो गया है। बिल्लू पानी लावे। कौन सा सर, पीने का कि नहाने का? सर काफी मोटी और बड़ी एक्सट्रीमली ब्यूटीफाइड मिनरलाइज्ड वाटर फॉर यू। पी लीजिए पी लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम। बेटर नाउ? बेटर। नमस्ते मैडम। बीवी गई भूटान, मैंने किया पूटान। तो नहीं, मैंने यहाँ जिम्नेजियम खोल रखा कतई, या हेल्थ सेंटर हो रहा यो जो थारा पुटोन किया हुआ वेट यहाँ पुल डाउन हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं, ये मेरा तकिया कलाम है, आप सबको मेरा सलाम है, मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ, बीवी गई भूटान, मैंने किया भूटान। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द है? मैडम मैं पंछी हूँ। पंछी है तो उड़ जा। नहीं नहीं मैडम, मैं वो उड़ने वाला पंछी नहीं हूँ, मतलब कि मैं जमीन वाला पंछी हूँ, मतलब कि मेरा नाम है पंछी, पंछी परेशान। मैडम मुझे है ना रुचि के खिलाफ FIR लिखवानी है। रुचि कौन है, पड़ोसन? अरे नहीं, ये पड़ोसन मतलब कि ये इसका नाम रुचि है। बीवी गई भूटान, मैंने किया पुटान। ओए होए 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 होए, ये रुचा जिसको देख के सबकी रुचि अनुरुचि हो जाए, यो कहां से रुचि हो रहा? नहीं मैडम, मेरा नाम है रुचि, बिल्डिंग है ऊंची, स्वीटी समझदार है। स्वीटी कौन है, सिस्टर? नहीं नहीं मैडम, स्वीटी मेरा भाई है। अच्छा, और पिताजी का क्या नाम है? संगीता? नहीं नहीं मैडम, गीता। और मेरी मम्मी का नाम घनश्याम है। अबे क्या घनश्याम, स्वीटी वीटी लगा रखा है बे, हैं? FIR किसको किसके खिलाफ लिखानी है बताओ जल्दी। देखो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बता दो ना, दे देंगे। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी मैडम, मुझे ये बताइए कि ये जो मेरे हाथ में है उसे क्या कहते हैं? ओहो, तो यहाँ तू हमारे संग क्विज कंटेस्ट खेलने आया है कि बुझो तो जाने? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। सवाल 54 का। नहीं नहीं मैडम, मतलब कि ये जो मेरे हाथ में है वो सितार है ना, लेकिन ये कहता है कि ये तबला है। दरअसल बात ये है मैडम कि मैं इसकी दुकान में तबला खरीदने गया तो इसने मुझे ये बेच दिया और अब ये जिद कर रहा है कि ये तबला है। देखिए बात ऐसी है, जो संगीत होता है ना वो 7 सुरों का खेल होता है, इसे शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या तबला क्या सितार, क्यों करना इतना सोच विचार? मैडम जी देखिए, मेरे हिसाब से ना ये तबला है, स्वीटी समझदार है। अरे पर यो तो फिर शायद वही है ना, अपना सितार ही है ना यो। हाँ मैडम, आप देखिए, बजा के देखिए। नहीं मैं क्यों बजाऊं, और कोई काम ना है हमारे पास, ना मैं सितार बजाऊं। मैं यहाँ इंस्पेक्टर लग रही हूँ या मैं म्यूजिशियन हो रही हूँ? कि सितार पकड़ के कतई बिल्कुल मैं एक स्ट्रमिंग दे गए एकदम एक लहला के गा लूं। और ये चौकी है, यहाँ डिसिप्लिन चलता है, काम चलता है यहाँ, ये नहीं कि गोद में सितार लेके बैठ गए कतई आउट। पिया बावरी, ये सब
माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं, क्योंकि हमें श्री मंजू ब्रिजनंदन शर्मा जी के साथ सितार और सरोद की जुगलबंदी में शामिल होना है। बहुत आनंद आया, नमस्कार। चौटाला, कौन से भाषा में बात कर रही है आप? Hearing. वो क्या बोल रही है, हो क्या गया आपको? छी, ये कैसे कर्कश और कठोर नाम से आपने हमें संबोधित किया? जी हमारा नाम तो कुमारी लता सुरीली है। फिर मुलाकात होगी, नमस्कार। चौटाला कहाँ जा रही है आप? हेलो मैडम, जुगलबंदी। पिया बावरी के, अरे मेरा सितार मैडम, मेरा सितार। अबे क्या हो गया इनको? God knows. सर मैं एक बहुत अच्छे तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। हैं? जानते हो? अपने लिए मंगा लेना, फिलहाल तो मिश्राला के पीछे जाओ जल्दी। मैडम गो रन। ओ बिल्लू। मैडम क्या गाती है लेकिन? हैं? अच्छा गाती है लेकिन। फिर यार हम पूरे एरिया का राउंड मार के आ गए, लेकिन मैं चौटाला कहीं दिखाई नहीं थी, समझ में नहीं आ रहे कहाँ चले गए वे। आखिर मैडम ऐसे कहाँ जा सकती हैं? और उनको हुआ क्या था? या सर, ये सोच सोच के मैं हूँ परेशान इसदा, हसीना है अगर शोले हैं मैं हूँ शान इसदा। अबे मौका देखे तो राइमिंग मारा कर बे, जान तो कुछ शुरू हो जाता है। सॉरी सर, मैं गोलू, मैं कुछ बोलू? हाँ बोल पे बोल। कहीं कोई केस सॉल्व करने तो नहीं गई है मैडम? ऐसे सितार लेके। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। क्या? ओ बिल्लू। ओ भाई। यार पता नहीं वो आएंगी भी या नहीं। आ गई सर मैडम। आ गई। आए पद सारे गरे रे सा। चौकी है यो, कोई महफिल ना है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ भाई, कमिश्नर साहब के ऑफिस भिजवा दी थी 52 नंबर की फाइल है। क्या हो गया? समझ नहीं ऐसे क्यों घूर रहे हैं, पहले छोरी ने देखी कभी? आपने कल जो किया उसके बाद आप ये पूछ रही हैं हमसे? मैंने क्या किया? निपोटे बैटन है? हुआ के? फूट ले ओए। मैडम महान पंडित भीमनाथ शास्त्री जी के क्लासिकल प्रोग्राम की भजिया तल दी आपने। या मॉम, बिल्लू कह रहा है सच इसदा, आप किसी तरह सजा से गई हैं बच इसदा। हे बच गई इसलिए क्योंकि हमने केस दर्ज ही नहीं किया। कौन सा केस? कैसा केस? के बात चल रही है? और ये बीच में महान गायक भीमनाथ शास्त्री कहाँ से घुसी आए? घुस तो मैडम आप गई थी, वो भी चलते क्लासिकल प्रोग्राम के बीच में घुस गई थी आप। yes! अच्छे खासे शास्त्री जी सुर में गा रहे थे और आप वहाँ पर सितार लेके पहुँच गई और फिर पूरी महफिल हथिया ली आपने, और उसके बाद तो मैडम पब्लिक में माहौल ही बदल गया। जो लोग शास्त्री जी को सुनने आए हुए थे वो आपके लिए वंस मोर चिल्लाने लगे, और शास्त्री जी को शॉल ढांक के वहां से निकालना पड़ा पीछे के गेट से। Very nice sir, that sounds like me. अरे नहीं एक मिनट, क्या बात हो रही हो? ना, ये हुआ ही नहीं है। नहीं ये कहाँ हुआ है, कब हुआ है? यो कभी नहीं हुआ, ये बात हो ही नहीं सकती, ये बेकार की बात कर रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं हमारी समझ में कुछ ना आ रहा। हाँ लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है। मैं चौटाला, ये सब वो विटामिन D3 की कमी की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है ना, जो आप कर रही है ना
वो आपको याद ही नहीं हो रहा कि आप क्या कर रही है। शाबाश। अच्छा ऐसा है, अच्छा तब फिर मुझे भी विटामिन डी की ही कमी है मैडम, तभी मैं भूल जाता हूँ। हाँ तेने तो है ही विटामिन डी की कमी। विटामिन डंडे की कमी ला, मैं पूरी करूँगा। नहीं नहीं मैडम, मुझे कोई कमी नहीं है विटामिन डी। डोज बढ़ाना पड़ेगा मिस चौटाला। जो दिन में आप 4 बार लेती ना दवाई, 4 बार से काम नहीं चलेगा, दिन में कम से कम 6 बार आपको दवाई लेनी पड़ेगी। बिल्लू पानी लावे। नहाने का कि पीने का सर? शाबाश, समझ गया। क्लीन मिनरलाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर फॉर यू। थैंक यू। अब छोड़िए सब, आप दवाई लीजिए बस। देख क्या रहे हो बे, पिक्चर चल रही है यहाँ पर, काम पे लोगो बे। सर आप महाराज इतना ख्याल क्यों रखते हैं? अरे क्योंकि हम आपसे गोपी से, बिल्लू से, गोलू से, सनी से, सबसे बहुत प्यार करते हैं और इसे इसलिए आप सबका ख्याल रखते हैं बस। अच्छा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काश हम आपको सच बोल पाते मिस चौटाला, कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कैसे बोले बे गुरुजी, वाई मी, क्या फंसा दिया। काश हम आपको सच बोल पाते मिस चौटाला, कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कैसे बोले बे गुरुजी, वाई मी, क्या फंसा दिया। बिल्लू मैं गोलू मैं कुछ बोलू, क्या बात है आज तुम बहुत गुस्से में हो। कल रात मैं भैया के घर गया था क्योंकि भाभी जी मायके गई हुई हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था पार्टी का बोलकर, लेकिन पता है मैं वहां पे भूल गया और खुद को नौकर समझने लगा, तो उन्होंने मेरा कान नहीं उठा मेरा, बल्कि मुझसे घर का सारा काम करवाया, मुझसे झाड़ू लगवाया, मुझसे पोछा लगवाया, मुझसे खाना बनवाया और तब तक काम करवाया जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। अब मैं भैया को मजा चखा के रहूंगा। ये देख, ट्रेलर हिट है, अब पिक्चर बनेगी। चल हट। भैया क्या है? ऐसे ही प्यार आ गया। ओए होए 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 कर ले। वाव। क्या चल रहा है यो? ऑफ बीट ब्रोमैंस। चल रिकॉर्ड रूम से 52 नंबर की फाइल लेके आ। यशो जल्दी जा। क्या हाल चाल है? फोन कट गया मैडम। किसका? अपना यहाँ चौकी का। क्यों? देख लीजिए डेड है।
अबे नकली है बे। Like it? Yeah. असली था। Well. नमस्ते मैडम, बर्तन धो के आया हूँ। अच्छा, और कपड़ों का क्या स्टेटस है? सुखा के इस्त्री करके तय लगाया या जमाया या कबोर्ड में? और खाना, खाना बना के मेज पर सजा दिया? और डस्टिंग एक दिन छोड़ के करता है या आज करी कल नहीं करेगा? के स्टेटस बताओ। ये किसे ले गया साथ में पगलेट को? इसका खिलखिलाना बंद नहीं हो रहा। अरे नहीं मैडम, मुझे ना वो चींटी और हाथी वाला जोक से याद आ गया, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैडम मुझे ना इसके पिता के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, FIR लिखानी है। इसने बच्चे जैसी लड़की से मेरी शादी करा दी, मेरा जीवन खराब कर दिया, बर्तन धो के आया हूँ। ओ बच्चे जैसी बालिका, लिटिल मिस मफेट, नाम बोल अपना। मैडम मैं हूँ डुग्गू दीवानी, नहीं होना मुझे सयानी, मजा तो बचपने में है। हाँ ये बात बिल्कुल 100% सत्य है तुम्हारी की, मजा बचपने में। नहीं माँ हमारा बस चलता तो हम भी कभी बड़े ना होते। शौक तो था नहीं पूरा स्ट्रेस लेने का, शहर का काम करने का। बचपन में बढ़िया एकदम मजे से, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन प्रकृति का, कुदरत का एक नियम हो गया, जो जन्म लेता है उसे मरना भी होता है, और जो पैदा होता है बालक होता है उसे बड़ा भी होना होता है। तो तुम ही बड़ी होगी हो, है ना, इसलिए बचपन अब त्यागो। शादी हो गई तुम्हारी, जरा अपनी बिहेवियर एज, अपने पति का भी ध्यान रखो। जरा एक तमीज से रहो यार, क्या चल रहा तुम्हारा, क्यों कर रही है सब? मैडम मैं ना एक चॉकलेट खा लूं फिर बात करूं। ये पकड़ो ना आप, इसको फाड़ के दो मेरे को। अरे फाड़ दो ना इसको, इसको आना डस्टबिन में फेंक के आना, ठीक है? हाँ मैडम। मैडम मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग है ना वो रिंगा रिंगा रोज होते हैं ना, वो खेलने बहुत मजा आएगा। खड़ी रहो चुपचाप, ये चौकी है चौकी। और मैं यहाँ इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारी तरह बालक ना हूँ मैं जो रिंगा रिंगा रोज खेलूँ मैं। रिंगा रिंगा रोज पॉकेट फुल ऑफ रोज़ेस, we all fall down.